अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेज इमरान, रेमेडीज एंड रिव्यू में हंसबे आदत हंसबे माहौल, झटपट सी बहुत ही अच्छी इफेक्टिव सी रेमेडी लाई हूँ जी। आपने मतलब एक फेस पैक, आप फेशियल वगैरह करवाते हैं मार्केट में, पॉलर्स वगैरह भी जाते हैं तो फेशियल करवाते हैं, तो वो फेशियल आप घर में ही कर लेंगे। वो फेशियल क्या है, बहुत झटपट दो स्टेप्स में होगा। इससे पहले कि मैं रेमेडीज़ बताऊं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ओपन पोर्स के हवाले से ये तैयार होगा। इसमें हम एग को यूज़ करेंगे, डीप क्लिनजिंग करेंगे, ये जो कि स्किन को नरिश करेगी। आपने लेना है ग्राम फ्लोर लेना है। सबसे पहले तो आप डीप क्लिनजिंग के लिए लेंगे लेमन जूस, आपने 2 टेबल स्पून लेने हैं, और एग लेना है उसकी वाइटनेस लेनी है यानी कि सफेदी। आपको पता है लेमन जूस तो रिच है विटामिन सी से, बेस्ट ये क्लिंसर है जो ओपन पोर्स को भी बंद करेगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको दोनों को मिक्स अच्छी तरह करके 10 से 15 मिनट लगा रहने दें। उसके बाद आपने ये हर तरह की स्किन के लिए बेस्ट है। उसके बाद आपने हल्का सा इसे डीप क्लिनजिंग करनी है, ये आपके दाग धब्बे जो है वो रिमूव करेगा, चिकनाई को कम करेगा, और मल्टी विटामिंस जो हैं वो मतलब आपको इससे भरपूर स्किन में मल्टी विटामिंस को ऐड करेगा आपकी स्किन में, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसे यूज़ करें। और दूसरा स्टेप है जिसमें हमने आपने एक पैक बनाना है, उसी ये इसके बाद ही ये काम करना है। दूसरे स्टेप में आपने ग्राम फ्लोर लेना है, बेसन लेना है यानी कि 1 चम्मच, लेमन जूस 1 चम्मच, और एग वाइटनेस, इसमें भी एग वाइटनेस को यूज़ करना है क्योंकि आपको पता है बेसन जो है उसमें बहुत अच्छी ऐसी पावर पाई जाती है कि जो स्किन को बहुत ही ज़्यादा लाइटन और वाइटन करता है, और जो एक्सेसिव ऑयल है उसको ख़त्म करता है, बहुत ही कम कर देगा। ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, बेसन का कोई मतलब नुकसान नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है ये। आपने देखा होगा उबटन से लेकर फेशियल वगैरह इसी तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है। लेमन जूस जो है वो भी रिमूव कर देगा सारा ऑयल स्किन से, और नरिश करेगा, एंटी एजिंग है, बैक्टीरियल है, और आपकी स्किन को लाइटन कर देगा, वाइटन कर देगा। नेचुरल ब्लीच है, और एग की तो क्या बात है, ज़बरदस्त किस्म के इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, विटामिन ए है, इसकी भी वाइटनेस लेंगे, और इसके साथ साथ एलोवेरा लेना है आपने 1 स्पून। इन सबको कर लेना है मिक्स अच्छी तरह, इसका पैक हो जाएगा तैयार। आपने इसे लगाए रखना है, आपने मतलब 20 मिनट का जिस तरह मास्क लगाते हैं उसी तरह आपने स्किन पे लगाना है, और जब इसे धोना है तो बहुत ही हल्के हाथों से मसाज करना है। बहुत ही अच्छा ये पैक है, आप लगाएं तो आप खुद मान जाएंगे। आप ये ईद से कबल भी 2-3 दिन पहले कर लें ताकि आपकी जो स्किन है वो सही अपनी टोन पर आ जाए। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, आपको पता है कि ये इस तरह की जो है हमारी रेमेडीज़ बोर्ड के वगैरह ये बहुत ज़बरदस्त हैं। इसमें आपकी जो चिकनी जिल्द है उसकी मैल को चैल हैरत अंगेज़ तौर पर ख़त्म करके बहुत नीट कर देगा, कीली महासू को भी साफ़ करेगा, दाग धब्बों को भी दूर करेगा। आप इससे कबल से 2 महीने में आप 2-3 बार यूज़ करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। विटामिन ए बी सी सब कुछ इसमें पाया जाता है, आयरन भी है, खून साफ होगा, रंगत निखरेगी आपकी इंशाल्लाह, और ग्लो करेगी आपकी। इससे कबल ही जो है लेमन भी आपकी जो है मैल को चैल सारी दूर कर देगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे स्किन पे देखें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग का काम करता है, एंटी फंगल भी है, ज़बरदस्त एंटी एजिंग का काम करेगा ये सारा, आपको स्किन को बहुत ही ज़बरदस्त नरिश करेगा। ये मुकम्मल फ्रूट है, आप बजाय कि पार्लर नहीं जा सकते लॉकडाउन में, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपको मैंने डीप क्लिनजिंग बता दी। क्लिनजिंग मिल्क मेरी वीडियो में है, आप वो भी देख सकते हैं घर में कैसे बनाते हैं, लेकिन ये